तो आज हम यहाँ पे बॉल ड्रिप को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। मेक श्योर आपका फ़ोन टर्न ऑन मोड में रहना चाहिए एंड बोल्ट की जो बोल्ट फिट एप्लीकेशंस है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल रहनी चाहिए। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे यहाँ पे ऐड डिवाइस की एक ऑप्शंस आती है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपके वॉच शो करने लगेगी कि देन आपको इस पर क्लिक करना है। ये बहुत सारे एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों यूज़र के लिए एंड पेयरिंग का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पर पेयरिंग पे आपको क्लिक करना है। जितने भी परमिशंस आएंगे उसको आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। एंड देखिए यहाँ पर हमारी वॉच जो है ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुकी है एंड यहाँ पे इसकी जो वॉच की परसेंटेज एक्सेट्रा रहेंगी वो भी जो है आपको यहाँ पे शो करने लगेंगी। तो इस तरह से जो है आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं बात इसमें प्रॉब्लम्स जो कि वॉच कनेक्टेड कनेक्टेड नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का जो सेटिंग्स है सेटिंग्स में आना है एंड सबसे नीचे की तरफ जाएंगे तो अबाउट सेक्शंस में यहाँ पे वर्सन्स मिलेगी। यहाँ से आपके मैक आईडी एंड जो ब्लूटूथ वर्सन्स है ड्रिप फोन वो आपको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। ये एंड्रॉयड के लिए भी बोल रहा हूँ एंड आईओएस के लिए, दोनों के लिए जो है ये सेम सिस्टम्स है। तो सबसे पहले आपके अपने फ़ोन के जो ब्लूटूथ है ब्लूटूथ में आपको आ जाना है। ब्लूटूथ में आने के बाद जो है आपको वहाँ पे वॉच को सर्च कर लेना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कनेक्ट नहीं हो रहा है तो देखिए हमारे ब्लू जो है यहाँ ब्लूटूथ में बॉल ड्रिप जो है ऑलरेडी वो कनेक्टेड है, ठीक है। आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आना है। आने के बाद जो है यहाँ से आपको बोल्ट की जो ड्रिप रहेगी यहाँ पर ड्रिप्ट के जो फ़ोन है उसको आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर बोल्ट ड्रिप जो ऑलरेडी हमारे देखिए कनेक्टेड है। इस तरह से जो है आप इसमें कनेक्शन को स्टेबल कर सकते हैं एंड ईजिली जो है आपके वॉच के जितने भी फंक्शंस रहेंगे आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा और आपका जो कनेक्टिविटी रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है कि लाइक यहाँ पे देखिए फ़ोन की जो है वो कनेक्टिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे फ़ोन कनेक्शन जो है नहीं इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो है ब्लूटूथ में सिर्फ अपने फ़ोन के लिए जो है इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सेटिंग्स में फिर से आ जाना है। आने के बाद जो है ब्लूटूथ में जाने के बाद यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन नीचे अवेलेबल हो जाएगी फॉर फ़ोन के लिए ड्रिफ्ट फ़ोन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए हमारे फ़ोन की ऑप्शन जो है ऑन हो गई, अभी यहाँ पर ऑन नहीं हो रही थी ना। अब मैं दोबारा से जो है आपको फ़ोन में जा करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो जो भी कनेक्टर रिलेटेड इश्यू रहेगा आपके जितने भी परमिशंस, सबसे पहले तो आपको ब्लूटूथ की परमिशंस यहां पे अलाउ करके रखनी होगी, रनिंग बैकग्राउंड की परमिशन जो है अलाउ करके रखनी होगी। अगर एंड्रॉयड फोन में अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं अपने फोन के सेटिंग्स में आना है। आने के बाद जो है परमिशन मैनेजर ढूंढना है या फिर जो है नोटिफिकेशन सेक्शंस जो है उसको ढूंढना है। ढूंढने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जितने भी एप्लीकेशंस दिख रहे हैं ना, सब एप्लीकेशंस में आने के बाद जो है सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको अलाउ, जो भी यहाँ पे अलाउज रहेंगे ना इसको अलाउ करना है, ऑफ नहीं करना है। साउंड एक्सेट्रा जो भी जो है इसको हमेशा जो है अलाउ करके रखना है। एंड इसके अलावा जो है एक आप और चीज कर सकते हैं, अगर आईओएस यूजर हैं तो डायरेक्ट आप नीचे स्क्रॉल की तरफ करेंगे तो यहाँ पे आपको बोल्ट फिट जो है एप्लीकेशंस मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारे परमिशंस जो है आप एक ही जगह पे आपको आ जाएंगे, वहां से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, जहां पे आपके लोकेशंस, ब्लूटूथ, नोटिफिकेशंस, बैकग्राउंड रिफ्रेश एंड मोबाइल डाटा एक्सेट्रा, ये सब सारे परमिशंस आपके ऑन रहने चाहिए। यहीं पे मैं बात करूं नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा की तो सारे जो है नोटिफिकेशंस आने वाले हैं और अभी मैं जो है एक मैसेज जो है अपने नंबर पर करना करके दिखा रहा हूं जहां पे एंड जो भी इस तरह से आएंगे अलाउ जो है आपको कर देना है। सो यहां पे जो है नॉर्मल मैंने जो है एक टेक्स्ट मैसेज जो है अपने व्हाट्सएप पे यहां पे सेंड किया है एंड देख सकते हैं जो ये मैसेज जो है हमारी आ चुकी है एंड यहाँ पे हमारे वॉच पे भी वो आ चुकी है। कनेक्टिविटी रिलेटेड अगर आपके कुछ भी क्वेरीज होते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में बता दूं, सॉल्यूशन में आप डायरेक्टली जो है अपने एप्लीकेशंस को यहाँ से अनइंस्टॉल कर लें। अनइंस्टॉल करने के बाद जो है अपने फ़ोन के जो सेटिंग्स थी सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद जो है सबसे नीचे जाना है सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर रीसेट के ऑप्शंस है, वॉच को एक बार रीसेट कर लें। रीसेट करने के बाद जो है इसको आप डायरेक्टली आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वॉच कनेक्टेड हो जाएगी। सो टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।